मैं राजेंद्र सर विकास कोचिंग रसरावली हूँ। बच्चों आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। बच्चा सबसे पहले हम ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा के बारे में जानेंगे, फिर शक्ति के बारे में जानेंगे, पावर के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले हम वैद्युत ऊर्जा की चर्चा करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, जब भी हम किसी चालक तार को बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस चालक तार में चलने लगते हैं, जिससे उस चालक तार में वैद्युत धारा बहने लगती है। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, बच्चा जब किसी चालक तार से होकर के चलते हैं, गुजरते हैं, तो जो धन आयन होते हैं इनको क्या करते हैं, बाधित करते हैं, यानी टकराते हैं, अवरोध पैदा करते हैं, जिससे उस परिपथ में या उस चालक तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हम बैटरी से जुड़े रहते हैं तो यह बैटरी जो है लगातार हमें जो है शक्ति माने ऊर्जा देती रहती है, वो ताकत देती रहती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलते रहें। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए जो बैटरी से ऊर्जा दी जाती है, वही जो है ऊर्जा उस परिपथ में ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। और ये ऊष्मा के रूप में जब प्रकट हो जाता है तो उसको हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, चाहे वो जो है आपका बल्ब होगा, पानी गर्म करने की छड़ होगी, या रोस्टर होगा, या ऐसी चीज़ें जो होंगी जिससे हम इलेक्ट्रिक के रूप में जो है ऊष्मा के रूप में पैदा करते हैं और उसको हम जो है अपने प्रयोग में लाते हैं। तो अच्छा, यहाँ समझने की बात है, मैंने जो बताया उसके बारे में ज़रा समझिए कि अगर हम अच्छा जो लाइन बड़ा होता है उसको हम धन कहते हैं और जो छोटा होता है ऐसा, आज जब ये क्या है, खुला हुआ है, अब ये बैटरी कैसी खुली हुई है, तो अगर हम इसको क्या कर देंगे, बिंदी इसके बीच में डाल देते हैं ना, तो इसको हम बंद कहते हैं, बंद, ये जो है बंद हो गई है। बंद जैसी होगी तो धारा का प्रवाह होने लगता है। तो विचार कीजिए, ये बैटरी है आपकी, बैटरी के दोनों सिरों पर एक जो है विभव उत्पन्न हो जाता है और ये धन आवेश है तो यह धन वाला हो जाएगा, और ये प्लेट है कैसा है, ऋण है, तो ये ऋण हो जाएगा। अच्छा ध्यान देना, अब यह धन का मतलब क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब जो है होता क्या है कि जैसे ही हम किसी, क्योंकि ये आपका क्या चालक तार है, इसको मैं लिख देता हूँ बेटा, ये है आपका चालक तार, ये चालक तार है आपका। तो चालक तार में अब इलेक्ट्रॉन जो है यह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की जो चलने की दिशा होता वो कैसा होगा, वो इधर से इधर की तरफ चलने लगेंगे, यानी ऋण प्लेट से कहाँ चलेंगे, धन प्लेट की ओर के चलते हैं, ठीक है। और जो धारा होती है धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ होती है, तो ये बच्चा ये हो गया धारा, धारा को कैसे प्रेरित करें, आई, इसकी दिशा किधर से किधर होगी, तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की तरफ होती है, तो ये धारा की दिशा हो गई, यानी धारा बच्चा ऐसे हमारा चलेगा, ठीक है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन की गति कैसे कैसे हो रही है मैंने सिखा दिया, धारा कैसे चल रहा है सर समझिए। तो और ये क्या है आपकी बैटरी है, ये क्या होता बैटरी है, तो बैटरी से हमने जो है चालक तार को जोड़ दिया, चालक तार को जोड़ने के फलस्वरूप हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है चलना शुरू कर दिए, जैसे इलेक्ट्रॉन शुरू कर देते हैं चलना तो इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत दिशा जो है धारा की दिशा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धन आयनों से क्या करते हैं, टकराते हैं, जिससे परिपथ जो है परिपथ में यानी चालक तार में जो है ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, टक्कर के कारण ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, यह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होने लगती है। इसी को मैंने बताया यह कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है, तो बल्ब को जलाने के लिए प्रकाश भी देता है और ऊष्मा भी देता है, उसी तरीके से आपका हीटर होता है, इस्त्री प्रेस होता है, उसी तरीके से बच्चा नाइक्रोम के तार से बना हुआ आपका हीटर भी होता है, पानी गर्म करने की मशीन होती है, जो छड़ होता है बच्चा उसका हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमने इतना जान लिया है, तो पूरी बात हमको समझना क्या है कि वैद्युत ऊर्जा क्या है, यानी पहले ये जानो बेटा सेल क्या होता है और बैटरी क्या होती है, इसको ज़रा सा समझ लीजिए, पीछे पढ़ा के आया हूँ इसे फिर भी समझ लीजिए। सेल बच्चा एक ही होता है, उसमें
बैटरी से जोड़ी जाती है, एक ही जो है प्लेट उसका धनात्मक और ऋणात्मक होता है, लेकिन जब हम बहुत सेलों को मिला करके जब हम तैयार करते हैं, एक दो या दो से अधिक सेलों को जोड़ देते हैं तो वह सेल का नाम नहीं रह जाता है, उसी सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो यहाँ पर विचार कीजिए कि एक बैटरी के द्वारा जो है हमने एक चालक तार को जोड़ा है, चालक तार का नाम दे देते हैं बच्चा ए और क्या है बी है, तो चालक तार का नाम है ए बी, जो धन सिरे और ऋण सिरे से जुड़े हुए हैं। अब उसमें हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर एक लाइन में लिख देना चाहता हूँ, माना कि किसी चालक तार को एक बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं जिसका विभव भी वोल्ट है या भी है, तथा चालक तार में आई एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित करने में बहने वाला कुल आवेश क्यों है। तो अच्छा, हम पढ़ करके आए हैं आवेश के लिए, आवेश क्या है, तो आवेश एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करते हैं तो उसी का मान एक कूलम के बराबर होता है, तो क्यू किसके बराबर, यानी आवेश बराबर धारा गुणे समय, तो क्यू बराबर आई इंटू टी। लेकिन क्यू कूलम आवेश को चालक सिरों के भी बोल्ट के विभवांतर से टी समय तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य डब्लू है। तो हम लिख देते हैं बेटा यहाँ पर, यदि क्यू कूलम आवेश को भी बोल्ट के विभवांतर पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो अच्छा, हम ऊपर लेते हैं, पहले पूरी बात समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको एक बैटरी दिखाई थी जिसका विभव क्या है, V है, और इस तरीके से चालक तार आपका AB है, और इसमें जो है जैसे हम बैटरी का संबंध जो है चालक तार से कर दिए हैं, तो अब धारा की दिशा इधर बह रही है, इलेक्ट्रॉन इधर से बी से ए की तरफ आ रहे हैं, उसके लिए ही यहाँ पूरी बात की गई है कि माना कि किसी चालक तार को एक बैटरी के सिरों से जोड़ते हैं जिसका विभव भी वोल्ट है या भी है, तथा चालक तार में आई एम्पियर की धारा टी सेकेंड तक प्रवाहित करने में बहने वाला कुल आवेश क्यू है, तो क्यू आवेश बराबर क्या होता है बेटा, धारा गुणे समय, तो Q बराबर I इंटू क्या हो गया T। यदि Q कूलम आवेश को भी वोल्ट के विभव पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो किया गया कार्य कैसे जानते हैं, तो विभव वाला सूत्र से हम देखेंगे बेटा, विभव वाला सूत्र क्या है उसके बारे में विचार करें।
क्या पढ़ करके आए बेटा? विभव के लिए याद आ रहा है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश या आवेश का अनुपात ही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर क्या होता है बेटा? किया गया कार्य, किया गया कार्य बटा आवेश। विभव को आप भी कहें, किए गए कार्य को W कहें, आवेश को क्या कहें? Q। तो किया गया कार्य बेटा यहाँ से प्राप्त हो गया W बराबर Q, V इंटू क्यू लिख दो, कहने में अच्छा लगता है, V हो गया ना। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर एक, यानी आवेश को जो V वोल्ट की बैटरी पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य जो है V इंटू क्यू है। तो पहले समीकरण से बच्चा हम लोगों ने ये जान लिया है कि कुल किया गया कार्य कितना होगा अगर Q कूलम आवेश को लेकर के जाएंगे। यहाँ Q बराबर हम जानेंगे, क्योंकि Q बराबर I इंटू क्या होता है? T होता है। ऊपर वाले से हम पीछे नीचे दिखाए थे ना Q इंटू I, उससे देखिए बेटा। तो ये हो गया V इंटू I इंटू T, ठीक है। तो एक सूत्र हमको ये भी मिल गया, इस समीकरण नंबर को हम मान लेते हैं दो। इसमें तब हम जो है किसी परिपथ में बैटरी के द्वारा किए गए कार्य को जानेंगे जब हमको विभवांतर, धारा और समय पता होगा, तो किए गए कार्य को हम इससे जान लेंगे। यहाँ बेटा विभवांतर और आवेश जानने से ही उस बैटरी के द्वारा किया गया कार्य को हम जान लेंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा रहा है जिससे धारा बह रही है। अब यहाँ पर हम विचार करेंगे बेटा, ओम का नियम जो हम लोग पढ़ करके आए थे उसके ऊपर हम इसको बदलने जा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों पर लगा हुआ विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा क्या होती है? एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी भी अनुक्रमानुपाती आई होता है, यानी भी बराबर आई इन आर इंटू आई होता है। यही किसी चालक तार का क्या है? प्रतिरोध है। तो यहाँ से दिखा सकते बेटा समीकरण नंबर दो में इस भी के मान को हम रख सकते हैं, रखेंगे तो कैसा होगा ध्यान देंगे आप। तो अब चलिए भी की जगह पर मैं क्या लिखूं? R into I, ये आप देख रहे हैं ना, यहां उठा के रख रहे हैं, into पहले से I है और into क्या लिखूं? T लिखूं। I I से अगर हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? I square हो जाएगा। थोड़ा कहने में अच्छा लगता है, इसलिए सूत्र को थोड़ा सजा करके I square RT, ये समीकरण नंबर आपका हो गया तीन, ध्यान रखेंगे ये समीकरण नंबर तीन। समीकरण नंबर तीन से आपको पता चल गया, यहाँ से ध्यान दो बेटा, अगर हम यहाँ से उठाइए, अगर हम जानते हैं कि V इक्वल टू R इंटू आई है तो I बराबर ही जानना चाहें तो V बटा क्या लिखना चाहिए? R लिखना चाहिए। तो अच्छा, इस समीकरण नंबर तीन में इस I के जगह पर हम V बटा क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। तो फिर एक हमको नया सूत्र मिलेगा और वो सूत्र कैसा होगा? तो I की जगह रखवाइए तो V का स्क्वायर बटा में R का स्क्वायर। क्यों ऐसा किए? क्योंकि I का मान होता है क्या? V बटा R अगर स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर के रूप में लिख दिया। और इसके बाद क्या बचा? आर इंटू टी, पहले वाला जो पहले से दिया हुआ है आर, एक आर इससे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो डब्लू बराबर क्या मिलेगा? तो ऊपर मिलेगा भी स्क्वायर टी बटा में आर। और ये सूत्र का नंबर हो गया आपका चार। तो अच्छा, सूत्र नंबर ध्यान दीजिए, सूत्र नंबर एक दो तीन तथा चार के द्वारा हम किसी बैटरी द्वारा किए गए कार्य को जान लिया है, यानी क्षय ऊर्जा जो बैटरी से हो रही है किए गए कार्य के रूप में वो हमको पता चल चुका है। तो इस सूत्र के अब यहाँ पर क्या है, इस सूत्र को जाने, अगर विभवांतर हमें पता हो, समय पता हो और प्रतिरोध पता हो तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है बैटरी द्वारा किए गए कार्य को हम जान लेंगे जो आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचाया जा रहा है बैटरी के माध्यम से। तो आपको बैटरी पूरी समझ में आ चुकी है, जैसे बहने वाली धारा, इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा, ये आपके नॉलेज के लिए दे दिया, ये आपने सीख लिया है। अच्छा, अब हम जो है आगे की तरफ चर्चा करेंगे तो उसको जरा सा ध्यान दीजिए फिर से। अब अच्छा देखिए, किया गया कार्य तथा उष्मा एक दूसरे के तुल्य माने जाते हैं। अच्छा, अगर आप जो है किसी तार को ले लीजिए और तार को लेकर के खूब तेजी से चलाइए,
एक जगह से, तो जहाँ से तार मुड़ रहा होगा अगर आप छुएंगे तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा, गर्मी लगेगा, गर्माहट उत्पन्न हो जाएगा। तो यह गर्माहट किसके कारण हुआ है, इस पर किए गए कार्य के कारण, यानी किया गया कार्य ही ऊष्मा का स्वरूप होता है। और हम जानते हैं पीछे से पढ़ करके आए ना, तो हम जानते हैं कि जो एक कैलोरी, क्योंकि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, कैलोरी की परिभाषा पीछे से आप जानते हैं ना क्या है, इसको बता दें क्या, तो ध्यान रखिए, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 अंश सेंटीग्रेड से 15.5 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, एक कैलोरी कहते हैं। यानी एक कैलोरी बराबर अब किए गए कार्य के बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है लगभग, ये ध्यान रखेंगे हम। तो ये एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है। तो अगर हम एक जूल की बात करें, क्या करें बेटा, एक जूल, ठीक ना, अगर एक जूल की अगर हम बात करें तो वो कितने कैलोरी के बराबर होगा, तो ध्यान देखिएगा, 4.2 कैलोरी हो जाएगा। क्योंकि अब यह किया गया कार्य को हम किस में बदलने जा रहे हैं, ऊष्मा में बदलने जा रहे हैं, यह किया गया कार्य हम ऊष्मा में जानना चाहते हैं। क्यों ऊष्मा में जानना चाहते हैं, तो मैंने क्या कहा कि जब चालक में इलेक्ट्रॉन गमन करेगा और धन आयन उसे क्या करेगा, रोकेगा, तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसको हम दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। तो यह किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में हमको कैसे मिलेगा, अब इसके सहायता से हम इसको जानेंगे। तो अच्छा, अब जो है यहाँ करना कुछ नहीं है, अभी तक जिसका इसका जो भी मात्रक था वो सब जूल था, जूल को आप जो है जे के रूप में ही केवल लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो ये जूल है और ये केवल जे लिख सकते हैं, ये भी क्या होता जे, ये भी क्या है आपका जे, जे माने जूल। तो अब किए गए कार्य का मात्रक जूल है, लेकिन यह किया गया कार्य अगर ऊष्मा में बदल गया है तो उसका मात्रक हम क्या लेंगे, कैलोरी लेंगे, किलो कैलोरी या कैलोरी लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब हमको ये याद रखना है कि एक कैलोरी जो हमारी ऊष्मा होती है वो कितने कार्य के बराबर होती है, तो 4.2 जूल के बराबर होती है। तो हम यही जानना चाहते हैं कि एक जूल कितने ऊष्मा के बराबर होगा, तो एक जूल बराबर क्या, 1/4.2 कैलोरी है। अब इसी को हम जो है बेटा ऊष्मा में बदल लें, यानी किया गया कार्य बैटरी द्वारा किया गया कार्य को किसे बदलने, ऊष्मा बदलने पर, तो किया गया कार्य का मान ऊष्मा में, किसे बेटा ऊष्मा में, अगर ऊष्मा लेंगे तो देखिए यही जो आपका W है वो हीट के रूप में, क्योंकि वर्क है पावर है, तो हम W का प्रयोग करेंगे। अब यह ऊष्मा में जानना चाहते हैं तो ये हीट हम लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन यह हीट किसके बराबर होगा, तो W बटा में 4.2 जूल के बराबर होगा, अब कैलोरी के रूप में हो जाएगा, इसका मात्रक किस में चला जाएगा, कैलोरी में। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब इसी से हम सीख लेंगे कि हमारा किया गया कार्य अब ऊष्मा में बदल रहा है, यानी किया गया कार्य का मान ऊष्मा में हम जानना चाहते हैं, वो ऊष्मा अगर एच से प्रदर्शन किया जाए तो W बटा कितना हो जाएगा, 4.2 कैलोरी हो जाएगा। अब जरा W देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ यानी समीकरण 1, 2, 3 और 4 तक है, करना कुछ नहीं है, इस W के स्थान पर मान भर देना है और किसी परिपथ में अब जो है वो जो ऊष्मा उत्पन्न होगा उसको अब हम जान पाएंगे, ठीक है ना। तो H बराबर पहला समीकरण से लेते बेटा, तो क्या होगा, भी इंटू क्यू बटा में 4.2 कैलोरी, ठीक है ना, ऐसा ले लेंगे। फिर H बराबर दूसरी स्थिति, ये पहला हमने जान लिया, अब इसे देखो बेटा, ये है आपका किए गए कार्य W के जगह पर भी इंटू आई इंटू टी का बटा 4.2, क्या लिखना चाहिए, कैलोरी लिखना चाहिए, कैलोरी हो गया इसका। अब तीसरा समीकरण से उठा लीजिए, H बराबर इसका मान क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी का बटा, क्या लिखना चाहिए बताओ, 4.2 मात्र किस में जाएगा, कैलोरी में जाएगा, इसको ऐसे हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमको सूत्र मिल गया, एक चौथा बच गया ना, इसको भी लेते हैं, यहाँ पर 4.2 कर देंगे ना, हो जाएगा। तो H बराबर, और चौथे समीकरण से लीजिए, तो क्या होगा, V स्क्वायर, ठीक ना, T
टी बटा में, अब यहीं पर लिख देते हैं 4.2 R, ठीक है ना। तो इतना हमको पता चल गया। इसका मतलब कि ये तब हमको याद रखना चाहिए कि किसी बैटरी के द्वारा किया गया कार्य जो ऊष्मा में बदल गया है वो कितने कितने के बराबर होगा, कैसे कैसे आया है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और इसी से आप सवाल को फटाफट हल कर लेंगे। तो इतना आप याद रखिए। अब हम आपको पावर के बारे में बताने जा रहे हैं, शक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए अब शक्ति के बारे में समझें। तो जल्दी से आप शॉर्ट ले लीजिए इसका और याद रखिएगा सारा सूत्र, क्योंकि न्यूमेरिकल कराने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आप पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमने जान लिया है कि 6 ऊर्जा क्या है और 6 ऊर्जा के द्वारा प्राप्त ऊष्मा क्या है, ये हमने सीख लिया जो मैंने अभी मिटा रखा था। अब हमको जानना है बच्चा वैद्युत शक्ति, क्या जानना है वैद्युत शक्ति के बारे में जानना है। वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, वैद्युत शक्ति क्या है इसके बारे में हमको जानना है। तो ध्यान रखिएगा, एक लाइन आपको जानना है कि किसी वैद्युत परिपथ में 6 ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में 6 ऊर्जा की दर, यानी जब इलेक्ट्रॉन बेटा एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तो उसको बैटरी क्या करती है, अपनी ऊर्जा खर्च करके एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाती है। तो अब तो शक्ति यानी किया गया कार्य बटा लगा हुआ समय। तो किसी वैद्युत परिपथ की 6 ऊर्जा की दर, दर माने समय से भाग देना, यानी अब बैटरी के द्वारा किया गया कार्य बटा लगा हुआ समय को ही हम क्या कह रहे हैं, पावर। पावर को कैसे प्रदर्शित करेंगे, पी से, ठीक है ना। तो इसी को हमको अब जानना है। तो बेटा अब जो समीकरण नंबर 1, 2, 3, 4 है उसी का हम प्रयोग कर देंगे। तो किसी वैद्युत परिपथ में 6 ऊर्जा की दर को यानी शक्ति को जान सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आइए इसे लेते हैं बेटा। तो अगर पहला समीकरण उठाते हैं तो अब W की जगह पर पहला समीकरण लेते हैं, तो यानी भी इंटू क्यू बटा में टी की सहायता से हम जो है क्या जान पाएंगे, उस 6 ऊर्जा की दर को जान पाएंगे, शक्ति को, वैद्युत शक्ति को जान पाएंगे। और इसका समीकरण नंबर आगे कुछ भी हो सकता है, उसको अभी मैं छोड़ देता हूँ, उसको ध्यानते रहेगा। लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है बेटा वाट। क्या बोलते हैं इसको, वाट बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको बारे में हम लास्ट में समझा देते हैं वाट क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा समीकरण से उठाइए, तो P बराबर, फिर W का मान बताइए, तो ये है V इंटू I इंटू टी का बटा में टी, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तब क्या होगा P बराबर, ठीक है ना। या करके दिखा देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा V इंटू I, ठीक है। तो ये हमको पावर मिल गया, ठीक है ना, ये हमको मिल गया, एक ये मिल गया। मात्रक वही बेटा वाट के रूप में चलेंगे, ठीक है, या W भी लिख देते हैं, हो जाता है। अब आगे की तरफ चलिए, यहाँ पर P बराबर समीकरण नंबर 3 पर आ जाइए, तो क्या है I स्क्वायर आर टी बटा में टी, तो T से T का होगा कैंसिल, तो P बराबर क्या होगा, कटा देंगे ना, तो क्या होगा I स्क्वायर R हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है ये मिल गया, इस समीकरण नंबर 3 के द्वारा पावर मिल गया। और एक पावर और आपको बताना है जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर बता देते बेटा ये पावर कैसा होगा, तो W यानी P बराबर, P बराबर W, W की जगह पर V स्क्वायर इंटू टी का बटा क्या लिखूँ मैं, R लिखूँ और T से भाग दूँ, तो T से T खत्म हो जाएगा, तो पावर किसके बराबर, V स्क्वायर बटा में R के बराबर। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर, जो भी समीकरण हम बना लेंगे। और पावर का मात्रक सबके लिए क्या बेटा, वाट ही है, ठीक है ना, ठीक है, तो वाट हो गया। अब जरा सा कुछ बातों को समझिए। जैसे बच्चा जब हम किसी बाज़ार से बल्ब को ख़रीदते हैं तो बल्ब के ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्ट और 100 वाट भी लिखा रहता है, इसका क्या मतलब है समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये होता है, पहले तो यहाँ समझ लीजिए कि P बराबर
क्या है, W बटा T है। इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट पर कोई बैटरी है जिसका विभव 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट पर एक सेकेंड में यदि 100 जूल कार्य कर रही है, हमारे लिए कार्य कर रही है कितना, 100 जूल कार्य कर रही है, तो उसका मान जो होगा, ठीक है ना, 100 वाट के बराबर हो जाएगा। यानी प्रति सेकेंड अगर हमें, क्योंकि मैंने क्या कहा कि भी बराबर 220 वोल्ट, ठीक है ना, 200 क्या होता 20 वोल्ट पर अगर हम ले करके चलते हैं, ठीक ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट पर कोई ऐसी बैटरी है जो एक सेकेंड में हमको W बराबर 100 जूल कार्य करके दे रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही होता है। तो ये आपको याद रखना है। आज का टॉपिक यहीं पर रहा, बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके।